बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ वेव्स। इससे पीछे बेटे हमने वेव मोशन जो है उसको जाना है, वेव मोशन क्या होती है, कैसे प्रोपेगेट करती है। आज हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो वेव्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। वन इज़ नोन एज मैकेनिकल वेव्स एंड द सेकेंड वन इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। As well as mechanical waves are concerned, these are the waves which require, which must require a medium for their propagation. ऐसी waves जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, पहुँचने के लिए, transfer होने के लिए medium का होना बहुत ज़रूरी है। For example, आप water waves देख लें, shuttering waves देख लें, sound waves देख लें। ये ऐसी waves हैं कि जिनके propagate करने के लिए मीडियम का होना ज़रूरी है। मसलन हम वाटर वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर वाटर ही नहीं होगा, यानी वाटर का मतलब क्या है कि मीडियम ही नहीं होगा, तो क्या वाटर वेव्स क्या प्रोड्यूस हो सकती हैं? नहीं। इसी तरह से शटरिंग वेव्स जो हैं वो शटरिंग के बगैर जनरेट नहीं की जा सकती। तो ये जो साउंड वेव्स हैं इनको एयर एज ए मीडियम के तौर पे इनके दरमियान में एक्ट करता है, यानी मेरी आवाज़ एक दूसरे बंदे को और उस बंदे की आवाज़ मुझ तक आती है। किस तरह से आती है? मीडियम के ज़रिए से। मीडियम कौन सा है? एयर। तो एयर जो है एज ए मीडियम प्रेजेंट होगा तो एक दूसरे की आवाज़, एक दूसरे की साउंड जो है वो हमें सुनाई देगी। तो साउंड वेव्स आर आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। नाउ एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कंसर्न्ड, दीज आर द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ऐसी वेव्स हैं जिनको किसी मीडियम की ज़रूरत ही नहीं होती प्रोपेगेट करने के लिए, बल्कि अगर मीडियम इनके दरमियान में आ जाए तो इनकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। मैंने ये जो सेवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो उनसी हैं इनको बड़ी तरतीब के साथ लिखा हुआ है, और ये फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ के ऑर्डर के अंदर इनको लिखा हुआ है। तो सबसे पहले रेडियो वेव्स, टीवी स्टेशन और रेडियो स्टेशन से जो वेव्स हमारे घर तक या हमारे टीवी सेट तक या हमारे जो टेलीविज़न सेट तक पहुंचती हैं, ऐसी वेव्स जो हैं, ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडियो वेव्स कहलाती हैं। माइक्रोवेव जो हैं ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इंफ्रारेड हैं, विजिबल लाइट जिसको हम देख सकते हैं, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाती हैं। अल्ट्रा वायलेट हैं, एक्स रेज हैं और गैमा रेडिएशन हैं। तो आप इनमें से जिस एग्ज़ाम्पल के साथ ज़्यादा फेमिलियर हैं, जिसको आप जानते हैं, वो विजिबल लाइट है। तो विजिबल लाइट जो है इसकी हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। सरफेस ऑफ द सन, ये अर्थ, दरमियान में मिलियंस ऑफ किलोमीटर का डिस्टेंस। अर्थ जो है वो अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर इसके ऊपर बैठे सिर्फ एटमोसफियर है, और उससे ऊपर जो है वो स्पेस है, कोई किसी किस्म का कोई मीडियम नहीं है। तो सन लाइट जो होती है वो मिलियंस ऑफ किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हमारी अर्थ तक पहुंचती है, और दरमियान में कोई मीडियम नहीं है। जस्ट ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर है यहाँ तक, और इससे ऊपर मिलियंस ऑफ किलोमीटर जो है वो बग़ैर किसी मीडियम के लाइट ट्रैवल करती है और हमारी अर्थ तक पहुँचती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विजिबल लाइट जो है इसको किसी किस्म, इसको प्रोपेगेट करने के लिए किसी किस्म के मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विजिबल लाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ही एक एग्जांपल है, ठीक है। इसी तरह से ये बाकी जो हैं ये सारी की सारी ये भी क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ही एग्जांपल्स हैं। नाउ मैकेनिकल वेव्स कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। वन इज़ नोन एज कंप्रेशनल और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, सेकेंड वन इज़ द ट्रांसवर्स और ट्रांसवर्स वेव्स। सेकेंड वन इज़ द ट्रांसवर्स वेव्स। तो एज वेल एज कंप्रेशनल और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर कंसर्न, तो इसके अंदर बेटे ये होता है कि वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, और जो दूसरी चीज़ है डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये दो चीज़ें। आई रिपीट, क्या पहली चीज़ क्या? वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम एंड डायरेक्शन ऑफ वेव्स, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इसके लिए आप एक एग्ज़ाम्पल ले लें साउंड वेव्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी जो एग्ज़ाम्पल है आपने वो बेटे कंसिडर करनी है साउंड वेव्स की।
और सेकंड जो एग्जांपल है इसकी वो आपने स्लिंकी स्प्रिंग की एग्जांपल लेनी है। ये दो एग्जांपल हैं इसकी। तो मैं अगर साउंड वेव्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे करूँ तो साउंड वेव्स जो सी हैं वो इस तरह से प्रोपेगेट करती हैं कि इसमें मीडियम के पार्टिकल जो उनसे हैं उनकी वाइब्रेटरी मोशन जो होती है वो अप एंड डाउन नहीं होती, वो बैक एंड फोर्थ होती है। कैसे कि अगर आप देखें जी, हम एक एयर पार्टिकल्स का एक छोटा सा पोर्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। इस छोटे से पोर्शन के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जैसे ही यहाँ से साउंड का सोर्स साउंड्स को प्रोड्यूस करता है और यहाँ पे कोई आगे लिसनर मौजूद है, ये सोर्स ऑफ साउंड है, ये लिसनर है, तो ये जो लिसनर होगा सोर्स ऑफ साउंड से साउंड ट्रैवल करके लिसनर तक पहुँचेगी। और यहाँ तक कैसे पहुँचेगी कि ये जो एयर के पार्टिकल्स हैं ये बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करेंगे। अब देखें जो एयर के पार्टिकल्स की बैक एंड फोर्थ वाइब्रेटरी मोशन है उसकी भी डायरेक्शन यही है, यही ये डायरेक्शन है उसकी, और वेव्स की जो डायरेक्शन है वो भी यही है। तो वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम भी यही, और दूसरी चीज़ क्या, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव्स भी यही। तो दोनों चीज़ें आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। सो वी कैन कंक्लूड साउंड वेव्स एज एन एग्जांपल ऑफ कंप्रेशनल आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे पास एक स्लिंकी स्प्रिंग है। स्लिंकी स्प्रिंग कौन सा होता है, अ स्प्रिंग विच इज अ लूज एंड अ लॉन्ग स्प्रिंग, अ लूज एंड लॉन्ग स्प्रिंग इज कॉल्ड स्लिंकी स्प्रिंग। तो हमारे पास एक स्लिंकी स्प्रिंग है, एक एंड इसका हमने एक सपोर्ट के साथ बटे बांधा हुआ है, दूसरा जो इसका एंड है वो हमने अपने एक हाथ के अंदर होल्ड किया हुआ है। हम क्या करते हैं, हम इस स्लिंकी को क्या करते हैं, बैक एंड फोर्थ मूव करवाते हैं। बैक एंड फोर्थ मूव करवाने से क्या होगा कि इस स्प्रिंग के अंदर एक सीरीज ऑफ वेव्स जो है वो यहाँ से जनरेट होगी और यहाँ तक पहुँच जाएगी। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो अप एंड डाउन नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो बैक एंड फोर्थ है, इस डायरेक्शन के अंदर है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर है। तो अगर बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो बैक एंड फोर्थ है, इस डायरेक्शन में है, यानी कि और डायरेक्शन ऑफ वेव्स भी यहाँ से लेके यहाँ तक है, इस डायरेक्शन के अंदर है, तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो ऐसी वेव्स जिसके अंदर वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव्स बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, सच टाइप ऑफ वेव्स आर नोन एज कंप्रेशनल वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स आर अ सब टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तो ट्रांसफर वेव्स आर दोज मैकेनिकल वेव्स इन विच वाइब्रेटरी मोशन ऑफ, फोकस कीजिएगा, वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव्स बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद वन एंड अदर, सो वी कैन नेम दिस टाइप ऑफ वेव एज ट्रांसवर्स वेव्स। तो इसकी एग्जांपल जो है वो बेटे क्या हो सकती हैं, वो वाटर वेव्स एंड द सेकेंड वन इज द स्ट्रिंग वेव्स। दीज आर टू वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स। तो वाटर वेव्स के अंदर क्या होता है जी, वाटर वेव्स के अंदर ये होता है कि जब आप किसी पॉइंट पे वाटर के अंदर कोई स्टोन या कोई ऐसी चीज़ जिससे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है वो वहाँ पे थ्रो करते हैं पानी के अंदर, तो क्या होता है, मीडियम के पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव करते हैं, मीडियम के पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव करते हैं और वेव्स जो उनसी हैं वो एक डायरेक्शन से इस दूसरी डायरेक्शन की तरफ चलती हैं। तो वेव्स की डायरेक्शन जो है वो ये है, मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन ये है, तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर हैं, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद वन अनदर। सो वाटर वेव्स जो उनसी हैं ये क्या हैं, ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं जिसके अंदर वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम और डायरेक्शन ऑफ वेव्स बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसी तरह से स्ट्रिंग वेव जो है उसको भी एक्सप्लेन यहाँ पे किया जा सकता है। जी स्टूडेंट्स,
आपके सामने एक स्लिंकी स्प्रिंग है. स्लिंकी स्प्रिंग क्या होता है? लूज एंड लॉन्ग स्प्रिंग इज कॉल्ड स्लिंकी स्प्रिंग. तो स्लिंकी स्प्रिंग से मैंने पहले भी बताया आपको, दोनों तरह की वेव्स जो हैं वो जनरेट की जा सकती हैं. कंप्रेशनल वेव्स भी यहाँ से जनरेट की जा सकती हैं स्लिंकी स्प्रिंग से, एज वेल एज ट्रांसवर्स वेव्स भी जनरेट की जा सकती हैं स्लिंकी स्प्रिंग से. तो अगर हम किसी स्लिंकी का एक एंड जो है वो किसी हुक से बांध के दूसरा एंड जो है अपने हैंड के अंदर होल्ड करके उसको अप एंड डाउन मूव करवाएंगे तो उसके अंदर ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी. आप देखेंगे कि मीडियम के पार्टिकल्स अब बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट नहीं कर रहे बल्कि अप एंड डाउन वाइब्रेट करेंगे और जो वेव्स हैं वो इस एंड से इस एंड तक ट्रांसफ़र या प्रोपोगेट हो जाएंगी. तो यहाँ पे स्लिंकी स्प्रिंग की ये वाली जो मोशन है ये ट्रांसफर्स वेव्स को एक्सप्लेन कर रही है. तो इसके अंदर क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, बोथ वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन एंड डायरेक्शन ऑफ वेव्स इज इन दिस डायरेक्शन. सो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो वी कैन कंक्लूड दिस टाइप्स ऑफ वेव्स एज ट्रांसवर्स वेव्स. ठीक है जी. अब हमने कुछ थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी डिस्कस करनी है यहाँ पे कि हम सबसे पहले कंप्रेशनल और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के ऊपर आते हैं. कंप्रेशनल और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर जो मीडियम के पार्टिकल्स की बैक एंड फोर्थ मोशन है यानी टू एंड फ्रो जो मोशन है उसकी, उसके दौरान क्या होता है, उसके दौरान ये होता है कि मीडियम के पार्टिकल्स कुछ ऐसे पोर्शंस जो हैं उसमें डिवाइड हो जाती है कि किसी पार्ट के अंदर मीडियम के पार्टिकल्स वेरी क्लोज टुगेदर हो जाते हैं. इन हिस्सों को हम कंप्रेशन का नाम देते हैं. और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं मीडियम के पार्टिकल्स ऐसे बिहेव करते हैं कि दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं यानी कि दे बिकम फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. ये वाला पोर्शन देखें आप, ये वाला पोर्शन देखें आप, ये वाला पोर्शन देखें. तो इन पोर्शंस को हम रेयर फैक्शन का नाम देते हैं. तो कंप्रेशन क्या है जी, कंप्रेशन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कंप्रेशंस आर द रीजंस इन द कंप्रेशनल आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम बिकम क्लोज टुगेदर. दीज रीजन्स आर नोन एज कंप्रेशंस. जैसे कि एक ये कंप्रेशन बना और एक दूसरा ये कंप्रेशन बना. अच्छा, नाउ रेयरफैक्शन क्या होता है? रेयरफैक्शन आर द रीजन्स इन लॉन्गिट्यूडनल आर कंप्रेशनल वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम बिकम फार अपार्ट फ्राम ईच अदर. एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं. इनको हम क्या कहते हैं? रेयरफैक्शंस. ये रेयरफैक्शन है, ये रेयरफैक्शन है, ये भी रेयरफैक्शन है, ये कंप्रेशन है, ये भी कंप्रेशन है. अच्छा जी, अब एक रेयरफैक्शन और एक कंप्रेशन दोनों मिलकर एक वेव को कंप्लीट करते हैं. यानी अगर हम कहें ना कि ये इसमें के वेव्स तो जनरेट हो रही हैं तो कंप्लीट वन वेव जो होगी उसकी लेंथ क्या होगी? एक रेयरफैक्शन और एक कंप्रेशन दोनों मिलकर कंबाइन होके एक वेव को जनरेट करते हैं. ये जी पूरी एक वेव है, एक वेव की लेंथ है, इसको आप वेव लेंथ कहेंगे. इस पूरे डिस्टेंस को और इसको एक लेटर लैम्डा से हम मेंशन करेंगे. इसको आपने क्या प्रोनाउंस करना है? लैम्डा प्रोनाउंस इस तरह से करना है आपने. ये इसकी सिंबल है और इसको कहते क्या है? वेव लेंथ. अच्छा जी, अब हम आते हैं इधर ट्रांसवर्स वेव्स के ऊपर आते हैं. तो ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर क्या होता है कि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं अपनी मीन पोजीशन से, कुछ पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन से अपर पोजीशन पे चले जाते हैं, उनको हम क्रस्ट का नाम देते हैं. और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो अपनी मीन पोजीशन से लोअर पोजीशन पे आ जाते हैं, उन हिस्सों को या उन पार्ट्स को हम ट्रफ कहते हैं. जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ये अपनी मीन पोजीशन से अपर पोजीशन पे है तो इस वाले पार्ट को हम क्रस्ट कहेंगे, इस वाले पार्ट को भी क्रस्ट कहेंगे. ये भी आपके सामने एक क्रस्ट है. ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? ये अपनी मीन पोजीशन से लोअर पोजीशन पे है. ये वाला पार्ट जो है ये भी लोअर पोजीशन पे है तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रफ कहेंगे. ये ट्रफ है, ये भी ट्रफ है, ये भी एक ट्रफ ही है.
अब यहाँ पे एक पूरी वेव कंप्लीट कैसे होती है ये देखिएगा, एक क्रस्ट और एक ट्रफ दोनों मिलके एक वेव को कंप्लीट करते हैं, यानी क्रस्ट और एक ट्रफ ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, वन वेव कंप्लीट करेंगे। और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहेंगे, इस लेंथ का नाम क्या देंगे, इसको वेव लेंथ कहेंगे। इस वेव लेंथ को हमने मेंशन या सिंबॉलिकली कैसे लिखना है, कौन से लेटर से, लैम्डा से, आप यहां पे पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये कौन सी सिंबल है जी, इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा। तो लैम्डा इज द वेव लेंथ ऑफ द वेव। तो ये कुछ चीज़ें, ये टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको आनी चाहिए। इसके बाद अब हमने थोड़ा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेव मोशन उसकी छोटी सी डेरिवेशन है वो हमने यहाँ पे डिराइव करना है जी बेटे। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेव इक्वेशन, हमने v इज इक्वल टू एफ लैम्डा ये चीज़ प्रूव करनी है। दो तीन स्टेप्स की छोटी सी डेरिवेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर के अंदर अक्सर ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है, तो आप इसको ज़रा समझ लें। हमारे पास ये वेव्स हैं, किसी मीडियम के अंदर हमने ये वेव्स प्रोड्यूस की हैं, से के वाटर वेव्स हैं। एक पॉइंट में से कुछ वेव्स जो हैं वो पास कर रही हैं v स्पीड के साथ, वेव्स के पास करने की एक स्पीड होती है और उसको v से मेंशन हम कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे एक वेव को पकड़ लें और एक वेव जो है उसको ऑब्जर्व करें, तो एक वेव की जो लेंथ होगी वो लैम्डा के इक्वल होगी, मेन वेव लेंथ, और एक वेव का किसी भी पॉइंट से पास करने का जो टाइम है उसको टाइम पीरियड ऑफ द वेव कहते हैं, उसको कैपिटल टी से मेंशन करते हैं। तो ये लैम्डा जो है ये वेव लेंथ फॉर वन वेव, टाइम पीरियड कैपिटल टी फॉर वन वेव, और वी इज़ द स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव्स। आपने नाइन्थ क्लास के अंदर एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, वी इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी टी। तो जो आपकी स्पीड होती है उसको आप यूं लिख सकते हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर आप स्पीड को v से मेंशन करें, डिस्टेंस को s से मेंशन करें, टाइम को t से मेंशन करें, तो ये देखिएगा ये आपकी स्पीड इस तरह से निकल आएगी, v इज इक्वल टू एस ओवर टी। अगर आप डिस्टेंस को एक साइड पे लेके आना चाहें तो s इज इक्वल टू बन जाएगा v इंटू टी। दिस इज़ द वेरी फेमस इक्वेशन विच हैज़ यू हैव बीन स्टडीड इन द नाइन्थ क्लास। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट कुछ और है, हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये है कि जो डिस्टेंस कवर्ड है वन वेव का उसको तो हमने लैम्डा से मेंशन करना है, लिहाजा हम इस एस को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा से। इसी तरह से जो हमारा टाइम है, टाइम स्मॉल टी, ये तो जनरल इसकी एक सिंबल है, लेकिन हमारे पास वन वेव का जो टाइम है वो टाइम पीरियड कहलाता है, कैपिटल टी से इसको रिप्लेस करेंगे, स्मॉल टी विल बी रिप्लेस्ड बाई कैपिटल टी। ये जो दोनों चीज़ें हैं इसको आप इस अबव इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे जी। तो अब क्या होगा, अब हमने ये दो चीज़ें इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है और अब हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है उसकी क्या मॉडिफाई होके क्या इसकी फॉर्म बनती है। तो इसकी फॉर्म ये बनेगी जी, एस की जगह पे तो आपने लैम्डा रिप्लेस करना है, लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा इज इक्वल टू वी, वी एज इट इज आएगा, और स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी आ जाएगा, कैपिटल टी आ जाएगा। यहाँ से अगर आप स्पीड ऑफ वेव्स वी को सेपरेट करें तो कैपिटल टी इधर आके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूँगा, वी विल बिकम वन ओवर टी कह लें या लैम्डा ओवर टी, इधर जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके डिवाइड हो जाएगी। अब हम इसी की जो एक फॉर्म है वो ये बनाएं कि वन ओवर टी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। अच्छा जी, फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपने ये पढ़ा हुआ है कि वन ओवर टी जो है वो f यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स के इक्वल है। तो हम यहाँ पे इस वन ओवर टी की जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते हैं, f।
इनटू लैम्डा जो है वो तो फिर यहाँ पे है ही है वी। तो ये बेटे बन गया वी इक्वल टू एफ लैम्डा। इस स्टेप के समझने के लिए आपने एक इक्वेशन लिखनी है साइड पे, रीज़न देनी है। वो रीज़न ये होगी कि आपने लिखना है कि वन ओवर टी जो है फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, वन ओवर टी इज इक्वल टू एफ या वन ओवर एफ इज इक्वल टू कैपिटल टी। ये चीज़ आपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ी हुई है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है मैंने यहाँ पे यूज़ की है और हमारे पास जो हमारी फाइनल इक्वेशन है वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा जो कि रिक्वायर्ड थी वो हम यहाँ पे डिराइव कर चुके हैं। ये वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा ही हमने डिराइव करना था, ये भी वी एफ इज इक्वल टू एफ लैम्डा हमारे पास आ गया। तो ये टाइप्स ऑफ वेव्स था यहाँ तक। तो इसके आगे एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये टाइप्स ऑफ वेव्स के लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। टाइप्स ऑफ वेव जो हैं वो आपने सिर्फ ये इसमें वेव इक्वेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन साथ एग्जाम्पल्स, ये मैंने 7 लिखी हैं, आप कोई 2-3 एग्जाम्पल दे दें काफ़ी होंगी। मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन और उसके बाद उसकी 2-3 एग्जांपल्स, उसकी फर्दर उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो करनी है आपने, और उसके बाद डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद आपने 1-2 एग्जांपल्स मैंने आपको समझाई हैं, आप कोई एक एग्जांपल इसकी दे दें। इस तरह से ट्रांसवर्स वेव्स की भी डेफिनेशन और आपने कोई एक एग्जाम्पल देनी है, और मैंने आपको यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल्स वाटर वेव्स और स्लिंकी वेव जो हैं स्लिंकी स्प्रिंग वेव्स की जो एग्जांपल है वो दोनों समझाई हुई हैं। तो आप कोई एक वेव जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद फिर आपकी ये जो वेव इक्वेशन है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, याद कीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया।